स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। रात्रि 12 बजे का समय, सडौरा नगर पालिका चुनाव को अब केवल मात्र 7 घंटे शेष। चारों तरफ पुलिस बल पड़ा हुआ है। पोलिंग पार्टीज अपने अपनी जगह पर विभिन्न स्कूलों में रात्रि को सोई हुई है। ऐसे में पुलिस के जवान आते हैं गाड़ी में और डेहा बस्ती से एक व्यक्ति को उठाकर, जो कि एक डेहा है, और किसी शक के संदेह पर उसको उठाकर ले जाते हैं। बवाल मच जाता है और देखते देखते सारी डेहा बस्ती, सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर एकत्रित हो जाते हैं और हंगामा करना शुरू कर देते हैं कि वे किस कारण से पुलिस द्वारा इस प्रकार से बिना किसी कारण से उसको उठाया गया है। व्यक्ति को सडौरा पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और देखते देखते खबर सडौरा नगर पालिका चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के परिजनों तक, उनके हस्बैंड तक पहुंचती है और देखते देखते सभी लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। सावधान होने चाहिए सर। अच्छा, बिन कसूर बिन वजह हमारे घर में रात को बिना कपड़ों के लग जाते हैं। पता नहीं सर कैसे लेडीज पड़ी होगी, पता नहीं क्या करते होंगे, लेडीज के साथ भी क्या पता नहीं क्या करते होंगे जी। ये बिन कसूर हो यार, बच्चे को उठा के जे किसी बच्चे का आ रहा जी, बच्चे को जोन से आज क्या बात हुई, आज क्या बात हुई अभी? आज सर पता ऐसे हुआ कि हम इलेक्शन है सर, इलेक्शन है सर, ठीक है। हम सब अपने घर में, पुलिस वाले का दौरा है, कभी किसी ने बाहर नहीं फिरना, कुछ नहीं करना जी, अपने घर में रहो, ठीक है जी। मैं सर ये लड़का इधर सोया, उसकी है जी कबाड़ी की दुकान अपनी बेचारेगी, ठीक है। किसी को गलत नहीं कहता, किसी को कुछ नहीं कहता। आज तक हमने कभी यूं नहीं देखा कि भाई उसके पास से लोहे का डब्बा भी हम कबाड़ी का वैसा चोरी का हम देख ले उसके, ठीक है। ऐसा रिकॉर्ड है उसका जी, बच्चे का चोर होकर उठा ले गए और तीन दो बच्चों के और नाम है जी, एक और है जी, वो नाम बताओ ना जी, जिसकी चोरी हो रही है उसको चोरी किसी की, सुनो यार, चोरी किसी की हुई क्या? फिर उसको उठाया तो बताया तो होगा किस बारे में लेकर आराम से। एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी बोले करो एक टाइम में, हाँ बोल बोल। हमें उठाया जाता ना, हमसे 50-50 हजार रुपए मांगे जाते हैं, जो जब जाते देता अच्छा, उनको इतना मारा कूटा जाता जी, उनको सच्चाई झूठी कहने पड़ता, हमने किया इस वजह से। वो जोन सा बंदा सीआईडी देता है बिन फालतू, किसी के बच्चे को उठा के लेके जवाता है। सीआईडी कौन, अपने बंदा कोई पता नहीं। हमारी तो एक ही मांग है जी, यहाँ पुलिस को बुलाओ, पुलिस का बंदे चलो करते हैं। तो बड़े गंभीर आरोप पुलिस पर ही लगाए गए डेहा बस्ती के लोगों द्वारा। वहां पर अनिल मोंटी संधू द्वारा भी लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन आरोप बहुत ही गंभीर डेहा बस्ती के लोग कि किस प्रकार से पुलिस उनके साथ अमानवीय व्यवहार करती है, पैसे की डिमांड करती है और समय समय पर उनको वो उठा कर ले जाती है, और ऐसे घटनाक्रम आज अर्धरात्रि के समय हुआ है। लोगों का तो यहाँ भी कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक चाल भी हो सकता है, कि किसी चाल का वो शिकार हुए हैं, किसी राजनीतिक नेता के कहने से पुलिस द्वारा उनको उठाया गया और फिर बाद में यहाँ पर एक कोहराम मचे और कोई ना कोई गड़बड़ यहाँ पर हो, ऐसा भी कुछ वहाँ पर सुनने को मिल रहा था। डेहा बस्ती के युवाओं को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। जो डेहा बस्ती के जो बुजुर्ग वार जो प्रधान वगैरह हैं, उनकी बात भी डेहा बस्ती के युवा जो है नहीं सुन रहे थे। चलो 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 चलो
इस अफरा तफरी में डेहा बस्ती के लोगों द्वारा सड़क पर जाम लगा दिया गया था। कुछ वाहन जो इधर उधर से गुजरना चाहते थे मगर उन सबको उनके द्वारा रोक लिया गया था। मामला भी बहुत गर्म था। ऐसे भी खबर मिलती है कि जिस व्यक्ति को ले जाया गया तो उसको छुड़वा कर लाया गया। अच्छा एक मिनट, हाँ अच्छा तो तुमने पूछा भी तो क्यों उठा ले मेरे को? पूछा क्यों उठा रहे? अच्छा पता नहीं क्यों पूछ रहे। थाने में लेके थे तो छोड़ भी दिया। अच्छा मेरे सामने ले गए जी। अच्छा कोई कसूर नहीं था इनका, मतलब सबकी वजह से ले गए थे। कोई डाउट था इसको, कोई शक था, डाउट क्लियर हो गया, उन्होंने छोड़ दिया इनको। छोड़ दिया? हाँ जी। फिर यह बताया गया कि किसी शक सुबह पर उनको उठाकर ले जा गया था और बाद में उनको छोड़ दिया गया, मगर ऐसे वक्त पर किसी शक के आधार पर रात्रि 12 बजे उठाना किसी प्रकार से जायज नहीं ठहराया जाता, जबकि पता है कि 7 घंटे के बाद चुनाव है। धारा 114 लगी हुई है, चारों तरफ पुलिस का बल है, प्रशासनिक अधिकारी भी सढ़ोरा एरिया में डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा इस प्रकार से कार्रवाई करना किसी भी प्रकार से उचित ठहराया नहीं जा सकता। अचानक एक गाड़ी आती है लेकिन आक्रोश के कारण से लोग बाग उसको वहां से भी नहीं जाने देते और ड्राइवर को जो है वापस गाड़ी को लौटाना पड़ता है। युवाओं के क्रोध को देखते हुए बुजुर्गवार लगातार डेहा बस्ती के लोग कह रहे थे कि अब वो वापस आ गया बंदा जिसको पुलिस ले गई थी, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि पुलिस ये बताए कि आखिरकार क्या कसूर था उसका कि उसको उठाकर ले गए थे। और ऐसी बार बार पुलिस द्वारा इस प्रकार से यहाँ तंग किया जाना उनको सही नहीं लग रहा था, इसका कारण जानना चाहते थे। काफ़ी माहौल अशांत था और बार बार ये भी बात आ रही थी कि राजनीतिक दल भी बिना मतलब का इंटरफेयर वहाँ पर करते हैं, क्योंकि कल वोट डालनी है और सबको पता है कि डेहा बस्ती की वोट थोक में पड़ती है। इस कारण से थोड़ी राजनीतिक भी यहाँ पर नज़र आ रही थी। सभी प्रत्याशियों के पति महोदय और उनके परिजन वगैरह भी यहाँ पर लगभग आए हुए थे। कुल मिलाकर काफी घंटों तक यह माहौल गर्मा गर्म रहा। जितने मुंह थे उतनी ही बातें वहां पर सुनने को मिल रही थी, मगर कुल मिलाकर चूंकि सबको पता है कि कुछ ही घंटे के पश्चात चुनाव होने हैं और शांतिपूर्वक चुनाव का दायित्व प्रशासन और पुलिस का, और ऐसे में ऐसी कार्रवाई करना उठाकर ले जाना तो यकीनन इसको कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन को इस प्रकार से कार्रवाई करने से बचना चाहिए ताकि माहौल को काबू रखा जा सके और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव किया। और राजनीतिक दल के नेताओं को भी चाहिए कि किसी प्रकार की राजनीतिक इस प्रकार के विवादों में वो ना करें ताकि आपसी सौहार्द ना बिगड़े। अर्धरात्रि के समय पुलिस की ये कार्रवाई वास्तव में निंदनीय है और अगर इसमें राजनीतिक दल अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार से कोई गलत तरीके से अपना हस्तक्षेप किया गया हो तो वो भी काफ़ी निंदनीय। इस प्रकार से कार्रवाई से बचना चाहिए ताकि माहौल खराब ना हो। धन्यवाद। फिर ऐसे में कि जबकि कुछ घंटों के पश्चात चुनाव है और फिर अर्धरात्रि के समय इस प्रकार से कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई शक सुबह भी है तो उस पर कार्रवाई दिन के समय की जानी उचित है। फिलहाल कुछ घंटों के मेहनत मशक्कत के बाद डेहा बस्ती के कुछ बुजुर्गों एवं कुछ राजनीतिक से जुड़े लोगों द्वारा इस मामले को शांत किया गया। अब देखना है कि इस मामले पर अगले दिन किस प्रकार की क्या कार्रवाई होती है। प्रयास यह किया जाना चाहिए कि चुनाव होने से पूर्व ही यह मामला पूरी तरह से निपट जाए ताकि चुनाव में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए व शांतिपूर्ण तरीके से चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके। तो ये थी डेहा बस्ती से स्टेट न्यूज 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।